जय माँ दुर्गे, शक्ति की देवी माँ दाक्षायणी, देवी दुर्गा के रूप में जग में जाने जाते हैं। देवी दुर्गा माँ पार्वती का ही रूप है, इसलिए उन्हें पर्वतराज हिमवान की पुत्री होने के कारण माँ गिरजा भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस था, जिसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कोई पुरुष अथवा देव उसको नहीं मार पाएगा। इस प्रकार अमर होने का बर पाकर वह काफी अत्याचारी हो गया। देव और मानव सभी उससे डरने लगे। एक दिन महिषासुर ने देवताओं पर ही आक्रमण कर दिया। उसके अत्याचार से परेशान हो देवतागण ब्रह्मा विष्णु महेश के पास रक्षा हेतु गए। चूंकि ब्रह्मा के आशीर्वाद के कारण कोई देवता उसे मार नहीं सकते थे, इसलिए विष्णु एवं महेश ने आदिशक्ति का आवाहन किया, जिसके बाद माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। 9 दिनों तक देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध कर दिया। इस विजय के उपलक्ष्य में ही हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस प्रकार देवी दुर्गा 9 दिनों तक 9 रूपों में प्रकट होती हैं। सारे संसार में शक्ति की देवी के रूप में माँ दुर्गा को पूजा जाता है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल के प्रमुख त्योहारों में से एक है। कहा जाता है कि इस पूजा का आरंभ बंगाल से ही हुआ था। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा भगवान शिव की पत्नी पार्वती का ही रूप है। भगवान श्री गणेश एवं कार्तिकेय उनके पुत्र हैं एवं माता लक्ष्मी एवं सरस्वती उनकी पुत्री हैं। इसलिए दुर्गा पूजा के अवसर पर माँ दुर्गा के पूरे परिवार की पूजा की जाती है। पूजन विधि, नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। पूजा स्नान को गंगा जल से शुद्ध करते हुए माता दुर्गा को स्थापित करें एवं गंगा जल से अभिषेक करें। जौ के ऊपर मिट्टी के कलश में जल भरकर उन्हें स्थापित करें। पूजा स्थल पर दीप जलाकर माता को अक्षत, सिंदूर एवं लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल मिठाई चढ़ावें एवं दुर्गा पाठ सुबह शाम अवश्य 9 दिनों तक करें। 10वें दिन माँ का पूजा कर देवी का विसर्जन करें, इससे देवी प्रसन्न हो सभी को मनोवांछित फल देती हैं। जय माँ दुर्गे।